राधाबाग स्थित प्रोटोन एकेडमी में स्वराज फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चमू विधानसभा में भीषण जल संकट को देखते हुए आगामी 12 सितंबर सोमवार को विशाल जल सत्याग्रह रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता श्याम शर्मा ने बताया कि चमू क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहा है। जहाँ पहले चमू पूरे राजस्थान में मीठे पानी की सब्जियों के लिए मशहूर था, वहीं आज चमू की जनता निजी टैंकरों से प्रतिदिन 600 रुपये में पीने का पानी मंगवा रही है, जिसके चलते नगरवासियों का पारिवारिक बजट भी गड़बड़ा चुका है। ये जल सत्याग्रह रैली प्रातः 9:30 बजे राधा कृष्ण मैरिज गार्डन से रवाना होकर बस स्टैंड चमू थाना मोड़ होते हुए तहसील के बाहर पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक में श्रवण सैनी, ओम प्रकाश भूरी, महेंद्र ओम प्रकाश बर्रा, काना राम जाट, राजेश गोरा, अशोक सैनी, रवि शर्मा, राहुल योगी, राहुल गोसल्या, शिवचरण सैनी, हेमराज सैनी, अशोक कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमू के किशन मानपुरा बस स्टैंड पर स्थित गणेश मंदिर में ग्रामीणों द्वारा गणेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण वासियों ने गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा पिया वाले बालाजी गणेश मंदिर से रवाना होकर गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान गणपति बप्पा मौर्या के जय घोष से क्षेत्र गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में महिमा मंडल की महिलाओं ने संगीत में सुंदरकांड पाठ के साथ भजन कीर्तन की प्रस्तुतियों से आसपास के माहौल को भक्तिमय बना दिया। गणेश्वर धाम में भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर विघ्नहर्ता की पूजा और महाआरती कर भक्तों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में गणेश जी महाराज की 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। महाआरती के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। चौमू नगर के बस स्टैंड पर OBC आरक्षण विसंगतियों को लेकर आयोजित हुई OBC जनाक्रोश रैली व सर्व समाज महासभा की महासभा में RLP के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव ने कहा कि OBC वर्ग को संविधान द्वारा दिए गए 21% आरक्षण का भी लाभ एक्स सर्विसमैन और पूर्व सैनिक को हॉरिजॉन्टल आरक्षण और गलत रोस्टर की वजह से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कार्मिक विभाग का दिनांक 17 अप्रैल 2018 का परिपत्र रद्द करने, 17 अप्रैल 2018 के सर्कुलर से अब तक हुए नुकसान का पद सर्जित कर भरपाई की जाए, प्रक्रियाधीन भर्तियों का परिणाम DV व नियुक्तियों पर रोक, रोस्टर प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करना, OBC कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए की मांग की। उन्होंने प्रारंभ किया आगाज एक छोटा सा जनप्रतिनिधि सम्मेलन करके, लगभग उसमें संख्या थी 300-400, लेकिन आज हजारों की तादाद में आज संख्या पधारी है। ये स्वयं के विवेक से आए हैं, लेकिन इनके लिए मार्गदर्शन के लिए वो बच्चे जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके लगभग आज 20 से 25 दिन हो गए, ना कभी वो सोए, पूरी रात वो जगे, खुद के हाथों से लिहाई और पोस्टर बनाकर गांव गांव अलग जगाने का काम किया, तो उन नौजवानों ने किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने हाथ के सहयोग से जैसा बन पड़ा उन्होंने किया, मैं तो आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। OBC जाति पूरे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई जब हमारे ऊपर आ जाए और हमारे परिवार के ऊपर आ जाता है तो हम बदलते नहीं किसी को, इसलिए आज हमें एक होने की आवश्यकता है, एकजुट होने। चौमू उपखंड के सामोद थाना क्षेत्र के महामाया मंदिर में आज आस्था का सैलाब उमड़ा, जिसके चलते करीब 1 किलोमीटर लंबा मार्ग पर जाम लग गया। माता के जात जड़ूले व दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रद्धालुओं को जाम से निजात पाने के लिए वाहनों के बजाय पैदल नाले से होकर गुजरना पड़ा। काफ़ी देर बाद जाम खुला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि आम तौर पर बड़े महीने में महामाया माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है और वहां सड़क भी सिंगल है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौमू के प्राचीनगढ़ परिसर में कल देर रात तक श्री श्याम मित्र मंडल चौमू के तत्वाधान में 42वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम के भजनों से सराबोर भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने भजनों की रोचक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया।
आयोजित हुई भजन संध्या में हजारों श्याम प्रेमी देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। इस दौरान भगवान शिव के विवाह से जुड़ी लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। तो खाटू वाले शाम मुझे तेरा ही भरोसा, खाटू वाले शाम मुझे तेरा ही भरोसा, बाबा तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा, बाबा तेरा ही भरोसा। तू देख विनय करके तेरी लाज बचा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिला देहात उत्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में पिछले 3 मई से लंपी वायरस ने गौ माताओं पर कहर बरपा रखा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 1 लाख से ज़्यादा गौ माता की दुखद मृत्यु हो चुकी है और 10 लाख से ज़्यादा गाय संक्रमित है और सरकार द्वारा अब तक इस ओर कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग की गई कि लंपी बीमारी को महामारी घोषित करते हुए प्रति पशु मुआवजा जारी किया जाए। इस मौके पर भाजपा जयपुर जिला देहात उत्तर जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, भाजपा जयपुर जिला देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण बेरवा, आमेर प्रधान बद्रीनारायण बागड़ा, महेंद्र मीणा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव यादव, भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवान साय सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।